हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री के चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सॉल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी लेक्चर, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार और मेरा प्यारा चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो सोल्यूशन का खूबसूरत लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम डेल्टा टीबी से इंडिकेट करते हैं। इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अगर हम कोई भी प्योर सॉल्वेंट को बॉइल करते हैं तो और लेस टेम्परेचर पर बॉइल होता है, बट उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम प्योर वाटर को बॉइल करें तो 100 डिग्री सी पर बॉइल हो जाएगा, बट उसमें हम लोग शुगर को डिजॉल्व कर दें तो अब 100 डिग्री सी पर बॉइल नहीं होगा। उसको बॉइल करने के लिए हमको टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा। सपोज आप 110 डिग्री सी करेंगे या वर्क फिर 120 डिग्री सी करेंगे, तो जितना बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीवी। जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है डिजॉल्व होने वाले सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है। हमारा जो है प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर जितना ही ज़्यादा डिजॉल्व होगा हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो जितना बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग होगा उसको ही बोलते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसका डेफिनेशन होता है व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए लिक्विड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज द इंक्रीजिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड इट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए कि एटमोस्फेरिक प्रेशर 760 mmHg पर हम 1 लीटर वाटर को ले लेते हैं। वाटर एक सॉल्वेंट है और ये वोलेटाइल होता है। अगर हम इसको 100 डिग्री सी टेम्परेचर देंगे तो ये बॉयल होने लगेगा, यानी कि 100 डिग्री सी इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ। बट अगर हम इसी वाटर में इसी एटमोस्फेरिक प्रेशर पर 1 लीटर हम वाटर में अगर हम शुगर को डिजॉल्व कर दें तो अब जो है 100 डिग्री सी पर ये शुगर सॉल्यूशन बॉयल नहीं होगा, यानी कि 100 डिग्री सी नो बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। ऐसा क्यों? कि यहाँ पर जो 100 डिग्री सी जो है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और इसी वाटर में जब हम शुगर डिजॉल्व कर दिए, शुगर एक नॉन वोलेटाइल होता है, तो हमारा 100 डिग्री सी अब जो है इस शुगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं रहा। इसको समझने के लिए आप यहाँ देखिए, अगर हम 100 डिग्री सी टेम्परेचर देंगे तो ये वाटर के सरफेस पर वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बनाएंगे, और इस वेपर बनने की वजह से इसका वेपर प्रेशर जो होगा 760 mmHg हो जाएगा। कितना पर? तो 100 डिग्री सी पर, ये 100 डिग्री सी पर। और जो ये 760 mmHg वेपर प्रेशर है इस वाटर का, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन जानते हैं कि जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो वाटर लिक्विड है इसके जो टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, इस टेम्परेचर पर हमारा जो वेपर प्रेशर हो रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है, इसलिए ये जो टेम्परेचर हुआ इसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। बट यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब हम उसी वाटर में उसी एटमोस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम शुगर को डिजॉल्व करेंगे तो यहाँ तो वेपर बनेगा बट यहाँ वेपर नहीं बनेगा, यहाँ वेपर बनेगा, यहाँ वेपर नहीं बनेगा, यहाँ वेपर बनेगा, यहाँ वेपर नहीं बनेगा, यहाँ वेपर बनेगा, यानी कि जो शुगर जो हो है वो नॉन वोलेटाइल पार्टिकल होने की वजह से शुगर पार्टिकल वेपर नहीं बनाएगा। तो हमारा जो है यहाँ पर जो वाटर के सरफेस पर जो इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ वेपर ज़्यादा बनेगा, बट यहाँ पर जो है इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया कम है, इसलिए यहाँ वेपर कम बनेगा। तो यहाँ अगर वेपर प्रेशर 760 mmHg होता है तो यहाँ पर जो है इससे कम वेपर प्रेशर होगा, सपोज मान लो 750 mmHg, कितना पर? 100 डिग्री सी पर। तो ये जो वेपर प्रेशर है ये वेपर प्रेशर आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है,
इसलिए ये जो टेम्परेचर हुआ नो बॉइलिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं हुआ। अगर हम इस सॉल्यूशन को बॉइल करना चाहते हैं तो हमको टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा ताकि हमारा ये वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज होकर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। सपोज जैसे हम 110 डिग्री सी टेम्परेचर अगर हम देते हैं, अगर हमारा 110 डिग्री सी पर टेम्परेचर पर हमारा जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 760 mmHg अगर हो जाता है, कितना पर 110 पर, तो अब ये टेम्परेचर जो होगा इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 110 डिग्री सी पर जो इसका वेपर प्रेशर हुआ 760 mmHg हो गया जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, इसलिए अब ये टेम्परेचर हमारा जो है इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक चीज और आपको बता दें कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा नहीं, इसको बॉइलिंग पॉइंट को टीबी नॉट इंडिकेट करते हैं, यानी कि जो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सी ये टी नॉट बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को टी नॉट बी से इंडिकेट करते हैं, और जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग टीबी से इंडिकेट करते हैं। तो ऑलरेडी हम टीबी लिख चुके हैं, तो 110 डिग्री सी होगा टीबी होगा, यानी कि टीबी 1 डिग्री सी, 110 डिग्री सी होने का अर्थ हुआ कि आपका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सी है। टी नॉट बी 100 डिग्री सी होने का अर्थ हुआ कि आपका जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि कभी भी जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम रहेगा, और जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट में जितना इंक्रीजिंग होगा उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। अब जो है हम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू कैसे आएगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जब प्योर सॉल्वेंट रह रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी रह रहा है, और जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते रहे हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सी हो रहा है, तो हमारा जो है बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीजिंग हुआ, सिर्फ 10 डिग्री सी, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी था, हमने सॉल्यूट को डिजॉल्व किया तो हमारा 110 हो गया, मतलब 10 डिग्री इंक्रीज कर गया, तो हमारा जो डेल्टा टीबी होगा वो 10 डिग्री सी होगा। तो कभी भी डेल्टा टीबी को फाइंड करना है तो आपको सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से प्योर सल्फेट बॉइलिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर देना है, यानी कि डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हो जाएगा टीबी माइनस टी नॉट बी। एक यहां से भी डिफिनेशन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फिर से समझ लीजिए, आप जो है डेल्टा टीबी यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहां से डिफिनेशन लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए यहां पर लिख दिए हम डेल्टा टीबी क्या है तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, टीबी क्या है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और टी नॉट बी क्या है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो अगर हम इस एक्सपेरिमेंट का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना चाहें तो यहां लिख सकते हैं टीबी के जगह पर कितना 110 डिग्री सी, और जो है टी नॉट बी के जगह पर 100 डिग्री सी, यानी कि इसका जो डिफरेंट आएगा 10 डिग्री सी होगा। एक चीज और बता दें कि डेल्टा टीबी जो है टू टेम्परेचर का डिफरेंस होने की वजह से जितना वैल्यू इसका डिग्री सी में होगा उतना ही वैल्यू इसका केल्विन में होगा। ऐसा क्यों? तो अगर हम इस टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे तो फिर इसका टेम्परेचर को भी केल्विन में चेंज करेंगे, इस टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे तो इसमें भी 273 ऐड करेंगे, अगर हम इसमें नहीं ऐड करेंगे तो इसमें भी नहीं ऐड करेंगे, इसलिए ये डेल्टा टीबी जो डिग्री सी में वैल्यू होगा वही इसका केल्विन में भी वैल्यू होगा। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, रॉल्ट ने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपना एक रूल दिया था, तो हमारा हेडिंग है रॉल्ट लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। रॉल्ट ने क्या कहा था
अकॉर्डिंग टू रॉल्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीबी से इंडिकेट करते हैं। कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यह हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, तो मोलर जो कॉन्सेंट्रेशन है ये सोल्यूशन का मोलालिटी है, तो इसको हम लोग सीएम से इंडिकेट करते हैं सीएम। अगर हम डेल्टा टीबी इज इक्वल टू लिखे तो यहां पर एक हमारा कॉन्स्टेंट लगता है और वो कॉन्स्टेंट लगता है के बी, वेयर सीएम क्या है और के बी क्या है। सीएम जो है हमारा मोलालिटी है ऑफ द सोल्यूशन, और केवी क्या है, तो केवी को बोलते हैं इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक और नाम है, वो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और भी नाम है और वो नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू, यहां पर केबी कॉन्स्टेंट लग गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन से इक्वल टू करने के लिए, और ये हो गया हमारा सीएम। तो सीएम जो है मोलालिटी है, तो यहां पर मोलालिटी का फॉर्मूला डाल देंगे हम। तो यहां पर डेल्टा टीबी पर इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो सोलूट का वेट है, स्मॉल एम क्या है, सोलूट का मोलिकुलर वेट है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, तो सॉल्वेंट का वेट है। ये हमारा डेल्टा डीबी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहां से हम कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा डीबी फाइंड कर सकते हैं, केवी भी फाइंड कर सकते हैं, डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं, एम फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं। केबी जो है इसका वैल्यू भी बुक में दिया रहता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे इसको। अब जो है अगर सपोज मान लीजिए कि यहां पर सोलूट का मोलिकुलर मास फाइंड करना है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहां एम जो है डेल्टा टीबी के प्लेस पर चला जाएगा और डेल्टा टीबी जो है एम के प्लेस पर चला जाएगा, यानी कि एम इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन, यहां जो है यहां चला है, यहां चला जाएगा इसमें कौन क्या है ये लिख दे रहे हैं यहां पर, फिर जो डेल्टा टीबी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है,
केवी जो है यहाँ पर लिख दिए हैं इलिवियो स्कोपिक कंस्टेंट, और जो है स्मॉल डब्ल्यू जो है वेट ऑफ सोल्यूट है, स्मॉल एम जो है मोलेक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है, और जो कैपिटल डब्ल्यू है ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है। अब इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, हम लोग ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला पर कोई भी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग डेल्टा टीएफ से इंडिकेट करते हैं, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। सपोज जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी प्योर सल्फेंट को फ्रीज कीजिएगा तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पर फ्रीज होगा, बट अगर उसमें कोई सोल्यूट डिजॉल्व कर दीजिएगा तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। तो हमारा जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के तौर पर आप जैसे प्योर वाटर को लेकर के फ्रीज करते हैं तो वो ज़्यादा टेम्परेचर फ्रीज होता है, बट उसमें जब आप शुगर डिजॉल्व कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे प्योर वाटर अगर 273 केल्विन पर फ्रीज होता है तो फिर उसमें शुगर डिजॉल्व कर देने पर अब ये 273 केल्विन फ्रीज नहीं होगा, ये जो है अब 200 केल्विन फ्रीज होगा। यह जो एक्सपेरिमेंट वैल्यू नहीं है, यह मान लिया गया है। यानी कि हमारा प्योर सॉल्वेंट जो भी होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, और जब हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा उसी को हम लोग डेल्टा टीएफ कहते हैं, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है, इसका डिफिनेशन है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए लिक्विड। अगर हमारा जो है ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है शुगर, अगर ये जो वाटर लिक्विड है इसमें अगर ऐड किया जा रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज डिक्रीज्ड। तो अब हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है इस लिक्विड का ये डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट है तो ये 273 केल्विन है, और जब हमने शुगर डिजॉल्व कर दिया तब कितना हो गया 200 केल्विन। तो हमारा जो है जब डिक्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीजिंग है किसके, तो प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो जितना डिक्रीज करेगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वही हमारा जो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। कैसे हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड करेंगे, तो हमारा जो है कभी भी प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम रहेगा, तो हम इस सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से अगर हम सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो है डेल्टा टीएफ फाइंड हो जाएगा। तो डेल्टा टीएफ का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी कि टी नॉट एफ माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टीएफ। एक तरह से डेल्टा टीएफ यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का एक और डिफिनेशन यहां से आप लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यहां डेल्टा टीएफ क्या है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है। T not F क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, और TF क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। अगर इस एक्सपेरिमेंट का आप डेल्टा TF फाइंड करना चाहते हैं तो फिर T not F की जगह पर कितना डालेंगे 273 केल्विन, और जो है TF की जगह पर कितना डालेंगे तो 200 केल्विन। हमारा जो है कितना इसका वैल्यू आएगा तो 73 केल्विन। तो डेल्टा TF कितना हुआ इस एक्सपेरिमेंट का 73 केल्विन। ये भी जो है टू टेम्परेचर का डिफरेंट है, इसलिए जो डेल्टा टीएफ का वैल्यू केल्विन में होगा वही डिग्री सी में भी होगा,
यानी कि इसको हम 73 डिग्री सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको डिग्री सी में चेंज करेंगे तो फिर इसको भी डिग्री सी में चेंज करेंगे, इसको नहीं करेंगे तो इसको भी नहीं करेंगे। इसलिए डेल्टा टी एफ का वैल्यू जो केल्विन में आता है वही डिग्री सी में भी हो जाता है। तो आप लोग इसको कॉपी कीजिए, जिस तरह से रॉल्ट ने इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए रूल दिया था उसी तरह से रॉल्ट ने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी रूल दिया था। रॉल्ट के अनुसार जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह सॉल्यूशन के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां पर देखिए रॉल्ट के अकॉर्डिंग जो हमारा डिफिनेशन हुआ, द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हम लोग डेल्टा टी एफ से इंडिकेट करते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके जगह हम लिख देंगे डेल्टा टी एफ। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग सीएम से इंडिकेट करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ अगर हम इज इक्वल टू करें तो यहां पर एक कॉन्स्टेंट लगेगा, कॉन्स्टेंट केफ लगता है इंटू सीएम हो जाएगा। हुआ जो सीएम है वो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और जो केफ है इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको मोलर डिप्रेशन की कांस्टेंट कहते हैं। इसका एक और नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं। जो सीएम है वह मोलालिटी है, तो यहां पर हम मोलालिटी का फॉर्मूला डाल देंगे तो हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यहां से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं, स्मॉल एम फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल डब्ल्यू फाइंड कर सकते हैं, के भी फाइंड कर सकते हैं। इसे केफ हम अलग से पढ़ेंगे, इसका जो है एक टेबल होगा जिसको हम लोग याद कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन में केफ का वैल्यू दिया रहता है। सपोज जैसे एम फाइंड करना हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एम चला जाएगा डेल्टा टी एफ की जगह, डेल्टा टी एफ एम के जगह चला जाएगा, तो यहाँ एम इज इक्वल टू हो जाएगा के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन ये चला गया है, ये चला गया है डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसमें कौन क्या है, तो डेल्टा टी एफ तो यहां डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, जो के एफ है ये यहां हो गया आपका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और जो स्मॉल डब्ल्यू है वेट ऑफ सॉल्यूट है, और स्मॉल एम मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, मोलिकुलर मास भी लिख सकते हैं इसको,
कैपिटल डब्ल्यू है यह है वेट ऑफ सॉल्वेंट। हम लोग जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिक्रीजेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम लोग अगला वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग कॉपी कर लीजिए इसको।